आपके पास एक मौका है ऐसे बिजनेस से जुड़ने का जहां पर नहीं आपको कोई फ्रेंचाइजी फीस देनी है और ना ही आपको डायरेक्ट सेल्स पर कोई रॉयल्टी देनी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 1+1 का ऑफर मिलेगा, तो आपको हमारे पास आने से ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि आपको रैक कहां से लेनी है, प्रोडक्ट कौन सा किस कंपनी से उठाना है, किस डिस्ट्रीब्यूटर से उठाना है, किस मार्केट से उठाना है, कहीं ये हेडेक करने की जरूरत नहीं है। सब आपको वन रूप मिल जाता है, एक छत के नीचे मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सारा कुछ GST के अंदर होता है, तो यहाँ पर आपका बिजनेस रातों रात बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों मैं आज एक बार फिर से आपको लेकर आया हूँ आपके अपने NVSOP में। दोस्तों NVSOP जिसका नाम आपने हमारे इस चैनल पर जरूर सुना होगा, पहले मैंने आपको बताया था NVSOP किराना स्टोर फ्रेंचाइजी के बारे में, जहाँ पर आप मात्र 7-7.5 लाख रुपए से किराना स्टोर का सुपरमार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ NVSOP के मेगा मॉल में, जहाँ पर आपको केवल किराना नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको फुटवेयर मिलेंगे, आपको गारमेंट्स मिलेंगे और बहुत सारी कैटेगरी आपको मिलने वाली है। यहां पर अब आप बहुत सारे अलग अलग मॉडल से जुड़ सकते हो। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर आपको ड्रेसेस मिल रही हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही हैं। यहां पर कुछ आइटम्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ये देखिए फुटवेयर शुरू हो जाता है, सिर्फ 59 रुपीज से आपको फुटवेयर शुरू हो जाता है। फुटवेयर के अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो आपको केवल फुटवेयर नहीं मिल रहा, आपको बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं। बच्चों के कपड़ों के साथ साथ यहां पर आपको मेंस वियर, वुमेन्स वियर, लेडीज वियर, गर्ल्स वियर, हर चीज आपको यहां पर मिलने वाली है। तो आप अगर कोई ऐसा बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं जहां पर आपको नुकसान होने के चांसेस कम से कम हो, कोई फ्रेंचाइजी फीस ना पे करनी पड़े, कोई रॉयल्टी ना पे करनी पड़े, तो आपके लिए NVSOP एक जबरदस्त बिजनेस हो सकता है। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं जो फुटवियर रेंज दिखा रहा हूं, और साथ साथ में आपको पूरे गारमेंट्स की रेंज दिखा रहा हूं। आइए मेरे साथ चलते हैं नीचे और दिखाता हूं मैं आपको इनके पूरे किराना की रेंज। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर दिखाया फुटवेयर की रेंज, गारमेंट्स की रेंज, और अब हम नीचे आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ पर देखिए आपको किराना की एक बड़ी रेंज नजर आने वाली है, पूरा सुपरमार्केट, बहुत सारी वैरायटी नजर आएंगी। यहाँ पर आपको इस तरीके से फ्रिज भी लगे हुए नजर आएंगे, जहाँ पर कि आपको बेवरेजेस की पूरी कैटेगरी मिलेगी। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 1+1 का ऑफर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बिस्किट के ऊपर 1+1, एक खरीदे एक मुफ्त पाए, और ऐसे हर एक आइटम के ऊपर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। NVSOP का जो मेन एम वही है कि ग्राहक का भी फायदा हो, फ्रेंचाइजी का भी फायदा हो। तो आइए हम सीधा चलते हैं और इनका डायरेक्टर MIMI जी से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार आप भी अगर NVSOP के साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आप इनके साथ मिनी मार्ट लेना चाहते हो, मतलब छोटी फ्रेंचाइजी से शुरू करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप सुपर मार्केट ओपन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, और इस तरीके का आप मॉल शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या फायदे होने वाले हैं, ये भी हम जानेंगे। और ये सारी बात हम सीधा करेंगे कंपनी के डायरेक्टर से, तो यहीं पर मिलते हैं और जानते हैं NVSOP की पूरी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के बारे में। जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं NVSOP से, MIMI जी से, और आज वो आपको बताएंगे अपनी सफलता के राज, किस तरीके से उन्होंने 2 साल में पूरी इंडिया में अपनी फ्रेंचाइज ओपन कर दी, किस तरीके से पूरी इंडिया में अपने ग्राहक बना लिए, और अब बहुत तेजी से विस्तार कर रही है। और इसका एक प्रूफ मैंने आपको दिखाया NVMart, ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूं आपको पीछे स्क्रीन पर भी नजर आएगा, और साथ ही साथ इसी तरीके के मार्ट अब पूरी इंडिया में खुलने वाले हैं। तो क्या इनका आगे का प्लान है और किस तरीके से आप NVSOP के साथ जुड़कर अपने लिए एक सपनों का बिजनेस ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NVSOP से MIMI जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूअर्स का भी। सबसे पहले सर, जब मैं पिछली बार आपके पास आया था तो लक्ष्मी नगर में एक ऑफिस आपने शुरुआत की थी, और आज आपके पूरे भारतवर्ष में जगह जगह आपकी फ्रेंचाइजीज और आपके ऑफिसेज हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आखिरकार इस कोविड काल में आपने सब कुछ किया कैसे, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आज आप उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये सफलता का राज क्या है। सबसे पहले हम सफलता का राज से ही बात करते हैं आपसे। सफलता का राज ये था कि कहते हैं ना, नीयत अच्छी हो और सोच आपकी क्लियर हो, विजन बड़ा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब हमने प्लान किया था कोविड में, तो कोविड में ये देखा गया था उस समय में कि लोग अपने बिजनेस को बंद करके बैठे हुए थे और उनके पास कोई दूसरा बिजनेस करने का या कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं थी।
तो उस समय रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम बात करते हैं रिटेल यानी कि किराना स्टोर, तो यही एक ऐसा बिजनेस था जो उस समय में बूम बढ़िया करके मूव कर रहा था, और इसी को ही गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं अलाउ किया हुआ था क्योंकि ये डेली एसेंशियल प्रोडक्ट्स थे, हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी। तो मजबूरी अगर जुड़ जाए बिजनेस में तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, एक ऐसा मौका मिला कि जहाँ पर आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बार बार रूटीन सेल नहीं होता, लोग रिपीट नहीं करते, तो समझिए उसमें ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं मिल सकता। तो अपना जो सक्सेस का, सफलता का या राज कह सकते हैं आप, तो उसका सिर्फ यही था कि हमने समय की मांग को, समय की डिमांड को देखा और उसके ऊपर अपना काम स्टार्ट किया। और जो आपने मेहनत करी इतनी और लोगों से मुलाकात और लोगों से वन टू वन कनेक्शन बनाना, ये सबसे खास बात है आपकी। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बाकी लोग, कई सारे किराना स्टोर आए और बंद हो गए, लेकिन आप बदस्तूर तरक्की कर रहे हैं, आपके एक के बाद एक स्टोर खुल रहे हैं, और जितना मैं स्टडी करता हूँ और आपके मॉडल को भी स्टडी किया है, आप लोगों को ग्राहक देने का भी काम कर रहे हो जी। तो ये एक सबसे बड़ा मुझे आपकी सफलता का राज लगता है कि जहां पर कोई दुकान खोले और उसे पहले से ग्राहक मिल जाए तो उसके चलने की मतलब कि निश्चित हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं सफलता की ओर अग्रसर है। तो आप ये कैसे कर पाते हो कि जो आपसे फ्रेंचाइजी ले, आपका बिजनेस अपने शहर में ओपन करे, उसको आप ग्राहक भी दो, ये आप कैसे कर रहे हो सर? सर इसमें हमने एक तरीके से देखा जाए तो एक पार्ट यूज किया है जो कि इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या एफिलिएटेड बोला जा सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर को अपने पास बनाए रखना। आज दुकानें तो बहुत सारे लोग खोल रहे हैं, स्टोर बहुत सारे लोग खोल रहे हैं, मल्टी चेन भी आ रही हैं, वेबसाइट भी आप देखें मार्केट के अंदर एक से एक बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, लेकिन अब चैलेंज क्या है कि सबके पास एक ही पैटर्न है मार्केट में कस्टमर को अट्रैक्ट या उसको कवर करने का, वो है डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर आपके पास है, नहीं देंगे तो कल दूसरे के पास हो जाएगा। तो ये चैलेंज है, आप तो बिजनेस करने ओपन करके बैठे हैं इसलिए कि आपको कमाना है, लेकिन कस्टमर जब नहीं होगा तो आप कहाँ से कमाएंगे? और कंपटीशन के ज़माने में टोटल प्रॉफिट कस्टमर को होता है, कभी भी शॉपकीपर को नहीं होता। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन दूर हटाने के लिए एक एफिलिएट सिस्टम को ऐड ऑन किया इसके अंदर, जिससे कि एक कस्टमर हमारे यहाँ इसलिए आता है कि उसको रेफर करने पर कुछ ना कुछ उसको मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको रेफर कर दिया, आपने जाकर अपनी परचेजिंग की तो उससे मुझे कुछ परसेंटेज मिल गया। अब इससे क्या हुआ कि मैं आपके शॉप पे ही बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि मेरे को वो कुछ ना कुछ कमीशन आ रहा है जो आज तक किसी भी सिस्टम से नहीं आया। तो हमने इसको एड ऑन करके रातों रात जो आज इस लेवल पे हम आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केट का बहुत बड़ा हाथ और सपोर्ट रहा है। और दूसरा, जो लोग आज मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप भी जानते हैं इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आप 12 पीस लेंगे तो मार्जिन अलग मिलता है, अगर आप पेटी लेंगे तो मार्जिन अलग मिलता है, ट्रक लेंगे तो मार्जिन अलग मिलता है। हमारी सोच ये थी कि 12 पीस वाले को ट्रक वाला मार्जिन दिया जाए। अब ये तब पॉसिबल हो सकता है जब हम ट्रक की ट्रक माल बाय करें, और ये तब पॉसिबल हो सकता है कि हम इसको कंज्यूम कर पाए कि हमारे पास नंबर्स ऑफ संख्या में शॉप ही हों या स्टोर्स हों। तो हमने एक थॉट प्लान किया मार्केट के अंदर कि हम आपको थोड़ा एडवांस लेकर आते हैं। मार्केट में आज शॉप तो बहुत लोग खोल रहे हैं लेकिन उनकी शॉप ऑनलाइन नहीं है, वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी को लेकर कनेक्ट करते हैं। हम अपने जितने भी स्टोर्स हैं सबको अपने ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपने ऐप के ऊपर, फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर। अब आप हमारे साथ आते हो, आते फ्रीलांसर के रूप में हैं आप हमारे साथ, हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, हम कोई आपको जबरदस्ती या कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई सिक्योरिटी नहीं लेते, सारा कुछ फ्री है, आप इतने देख ही दिया। कोई भी ना फ्रेंचाइजी फी होती है, ना ही किसी का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ना कोई ब्रांड रॉयल्टी लेते हैं हम लोग। तो पॉइंट ये था कि हम क्या करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अपना थॉट ये था, जब आज एक बड़ा ब्रांड इंडिया का मॉल रूप में काम कर सकता है इस लेवल पे आके कि जिस एरिया में भी अगर एक बड़ा ब्रांड मार्केट के अंदर उतरता है तो वो उस एरिया के बिजनेस को ही खत्म कर देता है, कि वो सस्ता लाता है सस्ता देता है। बिल्कुल। तो हमने प्लान किया कि हम रिटेल स्टोर की चेन क्रिएट करें और ई कॉमर्स को उसके ऊपर इनरोल कर दें। हाँ जी। जैसे डोमिनोज आपने देखा होगा, डोमिनोज में एक चीज देखी जाती है कि आप ऑर्डर एक सिंगल ऐप पे करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनका मॉडल इतना सॉलिड है डिलीवरी का कि वो आपको दिल्ली से ऑर्डर करते हैं उसी आप वेबसाइट पे या उसी ऐप पर, या फिर आप मुंबई से, कोलकाता से, आप किसी भी एरिया से, उन्होंने एक चैलेंज लिया मार्केट के अंदर कि हाफ एन आवर के अंदर, आधे घंटे के अंदर हम डिलीवर्ड आपको कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो पिज्जा फ्री है। ये चैलेंज कितना बड़ा था, अपने आप में रिस्क था कि एक डिलीवरी मॉडल को उस लेवल पर ले जाना।
तो हमने यहाँ पर प्लान किया कि जो वो एडॉप्ट किए हुए हैं सिस्टम को, क्यों ना उसी टेक्निक पर काम किया जाए। फ्रेंचाइजी उन्होंने उसी जगह बाउंस कर दिया, मान लीजिए आपकी स्टोर यहाँ पे थी, इसी एरिया का उन्होंने ऑर्डर लिया और यहीं पे जाकर सीधा डिलीवर कर दिया। तो एक पैटर्न था कि दिल्ली से ऑपरेट कोई ऐप हो रहा है, बट वो पूरी इंडिया के अंदर सेम टाइम में वही वर्क कर रहा है। तो एक टाइम टेकिंग खत्म हो गई आपकी, जो समय लगता था मुंबई से, दिल्ली से मुंबई ऑर्डर भेजना, फिर उसके बाद उस पर एक्सपेंसेस होना, ये सब जीरो हो जाएगा। हमने कहा क्यों ना हम पूरी इंडिया के अंदर हर फ्रेंचाइजी पे एक पिन कोड बना दें और उस मतलब जो पिन कोड है उस पिन कोड को कनेक्ट कर दें अपने साथ में, और वो फ्रेंचाइजी ऑनलाइन भी आ जाएगी, ऑफलाइन भी रह जाएगी, और वॉकिंग कस्टमर तो आपका है ही है। तो ये थ्री वेज थे जो अपने सिस्टम को मूव कर रहे थे। हमने पीछे से परचेजिंग पे बहुत फोकस किया है। जो अदर कंपनियां आज मार्केट में काम कर रही थी या बंद हो गई या चल रही हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं वो जो मॉडल उनके काम कर रहे हैं, वो मॉडल का कहीं ना कहीं अनसक्सेस होना, उस पर काम नहीं करना, हम पीछे के जो वर्क है उस पर काम कर रहे हैं। अपना थॉट है कि माल परचेज होगा तो सस्ता दे पाएंगे, बिल्कुल, और अगर परचेज नहीं होगा तो सस्ता नहीं दे पाएंगे, और इसके लिए नंबर्स ऑफ स्टोर्स चाहिए। तो हमने इसीलिए कोई रॉयल्टी कोई भी फीस नहीं रखी। लोग हमसे पूछते हैं कि आपको प्रॉफिट क्या है, तो हम ये बोलते हैं कि आज अगर हम 12 पीस वाले परचेजिंग करते हैं तो हम आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे पाते, बट अगर ट्रक वाली परचेजिंग करेंगे तो हम आपको प्रॉफिट दे पाएंगे और खुद भी कमा पाएंगे। सिंपल थॉट ये था जिसके ऊपर हमने काम किया है। अब हमने मल्टी कैटेगरी डिज़ाइन की है, जैसे आपने स्टोर देखा ही है, इसके अंदर कपड़े भी, इलेक्ट्रॉनिक फूड्स वगैरह भी, आपको हम इस एक एवरेज जितना जो एक आम आदमी के घर में डेली नीड्स में यूज़ होता है वो सब कुछ, ऑल अप्लायंसेस से लेकर सारी चीज़ें हम उसके अंदर अवेलेबल कराने जा रहे हैं, और इसको सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने जा रहे हैं। मैंने एक एरिया में एक स्टोर होगा जो हमारा हब होगा, यानी कि बड़ा स्टोर होगा, हम वेयरहाउस ना डाल के सीधा बड़ा स्टोर, बड़ा मॉल आप कह लें, मॉल डालेंगे, और उसके अंदर B2B और B2C दोनों काम करेंगे, दोनों काम, जिनमें B2B के हिसाब से जो रिटेलर्स हैं, जो हमारी फ्रेंचाइजी हैं, वो डायरेक्ट ले जाएंगे और कस्टमर डायरेक्ट वहाँ भी आके बाय कर सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज इन्होंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग की वैल्यू क्या है, जिसकी के जरिए आप ग्राहक अपने पास ला सकते हो। दूसरा इन्होंने आपको बताया इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब कि जितनी बड़ी परचेज होगी उतना ज्यादा आप प्रॉफिट ले पाओगे, और जितना प्रॉफिट आपके पास होगा उतना ही प्रॉफिट आप आगे ट्रांसफर भी कर पाओगे, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब पूरी इंडिया में जगह जगह इनके स्टोर्स हो, कस्टमर्स इनके पास हो। और साथ ही साथ अब ये ओपन करने चाह रहे हैं हब एंड स्पॉक मॉडल, मतलब कि एक मॉल, जैसा कि मॉल आज मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही मॉल पूरी इंडिया में ओपन होंगे जो कि B2B भी काम करेंगे और B2C भी काम करेंगे, मतलब यहां से डायरेक्ट फ्रेंचाइजी भी माल ले पाएंगे और डायरेक्ट ग्राहक भी माल ले पाएगा। तो यहां पर ग्राहकों का फायदा, फ्रेंचाइजी का फायदा, कंपनी का फायदा, मतलब हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन होनी है। मतलब ये आपने मॉल अभी स्टार्ट किया, इस मॉल को स्टार्ट करने के पीछे आपकी सोच क्या थी? इसको सोच ये थी कि पहले तो हम लोगों ने प्लान ये किया कि ऑफलाइन स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन में एक कस्टमर पहले प्रोडक्ट छूना चाहता है, पसंद करना चाहता है, उसके बाद लेना चाहता है, तो पहले छोटे से स्टार्ट किया, जिससे कि वो जो छोटे छोटे रिस्क पॉइंट होते हैं, जो अगर हम बड़ा पहले दिन मार्ट डालते तो वो रिस्क पॉइंट को हम फाइंड नहीं कर पाते, और पता चलता अगर कोई भी एक छोटा सा लूप फॉल होता तो पूरा बिजनेस ढह सकता था। तो हमने पहले 2 साल प्रैक्टिकल छोटे छोटे स्टेप पे वर्किंग की, जहाँ पर लूप फॉल्स हमें पता चले हमने उसको ज़ीरो किया। आज इस स्टेप पर हम लोग आके खड़े हुए, तो यहाँ हमने प्रॉपरली हर वो लूप फॉल को दूर करने के बाद ही इसको स्टेज यहाँ पर लेकर आए। अब इसको खोलने का सिर्फ एक रीज़न था कि कस्टमर जब हमारे साथ एफिलिएटेड से जुड़ता है, तो मान लो आज 1000 कस्टमर हमारे साथ हो गया, तो उसको साल में एक बार जूता भी चाहिए होगा, एक बार उसको कपड़ा भी चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी कोई ना कोई चाहिए होगा, तो बात आती है फिर दूसरी जगह जाना क्यों, जब अपने ही पास सब कुछ है। तो थॉट ये था कि जो अपना छोटा फ्रेंचाइजियर है, हमने उसके लिए प्लान किया था कि वो अपने साथ आके अपने आप को ये महसूस ना करे कि मैं एक बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। आपके छोटे फ्रेंचाइजी को ही हम बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं, कि आपने एक स्टोर हमारे साथ डाला जहाँ पे मल्टी कैटेगरी प्रोडक्ट रखे थे आपने, आज आपके पास जब एफिलिएटेड के माध्यम से बहुत सारे कस्टमर्स हो गए, तो अब ये कस्टमर को सब कुछ चाहिए, नीड पड़ रही है, तो हमने कहा आप अपने आप को एक्सपेंड कर लो, बड़ा कर लो, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो गई कि आपको एक्स्ट्रा कमाई करने का मौका मिला। सिर्फ यही नहीं कि FMCG ही बेचेंगे हम, अब हम सब कुछ बेचेंगे, सब कुछ, तो जब सब कुछ बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि सब पे मार्जिन भी उसी लेवल का आएगा, तो आप भी बढ़ेंगे और कस्टमर भी हैप्पी रहेगा, कुछ को एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, और B2B B2C दोनों मिल रहा है, दोनों तरीके। सर एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि इतने कम समय में आपने इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजीज ओपन कर ली। सर भारत बहुत बड़ा देश है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई बार 1 दिन और 2 दिन भी लग जाते हैं, अगर हम ट्रेन से भी कम्यूट करें तो भी। तो आप अपने अलग अलग शहरों में जो आपने इतनी फ्रेंचाइजी खोली है, इनको आप सर्विस कैसे दे पा रहे हो? जी
ये एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए जब हमने स्टार्ट किया, क्योंकि इंफाल में जब हमारी एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुई नागालैंड के अंदर, नागालैंड में दीमापुर एरिया पड़ता है, तो उस फ्रेंचाइजी को हम जब यहाँ से प्रोडक्ट दे रहे थे, वो हमने सिर्फ 4.5 लाख की एक फ्रेंचाइजी मॉडल हमारा था पहले, उसको हमने यहाँ से, तो 1,25,000 रुपये का यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा आ रहा था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था, और वो मैनेज करना इट इज़ टू टफ। तो फिर हमने वहाँ पर जो B2B पार्टनर्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया और उनके साथ मिल के फिर हमने वो सर्विस प्रोवाइड करना शुरू की, क्योंकि अभी आप भी बहुत बड़ी सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी ज़्यादा परचेसिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप रीऑर्डर नहीं डाल पाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो एनवी शॉपिंग ने आपके लिए रीऑर्डर सेटअप प्लान किया कि आपके लोकल से रीऑर्डर दे देंगे हम आपको। इसके अलावा अब हमारे लिए पहले ये पड़ाव था, पहले ये चैलेंज था कि हम ये चीज़ें थोड़ी टफ रह रही थी, लेकिन राइट नाउ अब हम हब लेकर आ रहे हैं हर जगह, तो आपको हर क्षेत्र में, आपको आने वाले समय में ये समस्याएं ही नहीं रहेंगी। हाँ जी, तो यहाँ पर जिस चीज़ के लिए लोग हमारे पास आते हैं, व्यूअर्स हमारे पास आते हैं, वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। हम जानना चाहेंगे कि आपके आज के दिन फ्रेंचाइजी मॉडल क्या क्या है, किस तरीके से कोई कम से कम पूंजी में जुड़ सकता है, और मैक्सिमम बिजनेस मॉडल क्या है, आप अपने बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करें सर। सर, हमने जो अभी इस समय मॉडल डिजाइन किया है वो 300 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया है। हमने पहले छोटे स्टार्ट भी किए थे, लेकिन उसमें एक बड़ा चैलेंज अभी के लिए ये था हमारे पास कि बड़े हब ना होने के कारण वहाँ डिस्पैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो हमने अभी प्लान किया कि इतने तक का हो जाए जिससे कि आपका जो एक्सपेंसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन है वो वेयर हो जाए। तो हम उसमें प्लान कर रहे हैं 300 स्क्वायर फीट से, जिसमें करीबन 7.5-8 लाख के आसपास का आपका एक्सपेंसेस आता है। उसमें पूरा स्टोर उनका हम लोग डेवलप करके देते हैं, आपको सिर्फ एक पेंट करके रूम देना है, फ्लोरिंग करके और लाइटिंग करके देना है, बाकी उसके अंदर जितना भी जो मटेरियल लगता है, इवन आपकी रैक से लेकर। आज एक बड़ा चैलेंज था इस इंडस्ट्री में, हमारे साथ भी हुआ था, कि जब हमने स्टोर ओपन किया तो रैक लेने की बात आई, तो फिर हमें अलग अलग तरीके के लोगों ने रेट देना शुरू किए। अब वो कहते हैं ना कि जितनी आपकी समझ है, जितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं उतना ही बचा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम में हम करते करते भी फिर भी ये हुआ कि आज जिस रेट में हम लेते हैं हमने उसके रेट से डबल दिया था, ये फर्स्ट टाइम है। तो आज हम आपको जो रेट देते हैं, हम वो रेट देते हैं जो एक तरीके का होलसेल रेट होता है। तो आपको हमारे पास आने से ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि आपको रैक कहाँ से लेनी है, प्रोडक्ट कौन सा किस कंपनी से उठाना है, किस डिस्ट्रीब्यूटर से उठाना है, किस मार्केट से उठाना है, कहीं ये हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है। सब आपको वन रूफ मिल जाता है, एक छत के नीचे मिल जाता है, आपका डिस्प्ले से कंप्यूटर से लेकर स्कैनिंग से लेकर सिस्टम से लेकर आपका सब कुछ यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट करके, ब्रांडिंग से लेकर होर्डिंग बोर्डिंग से लेकर सब कुछ हम करके देते हैं आपका। और सबसे बड़ी बात यह कि सारा कुछ GST के अंडर होता है। जो स्टॉक होता है वो ब्रांडेड होता है कि नॉन ब्रांडेड होता है? सारा स्टॉक आपका हम नेशनल ब्रांड देते हैं आपको। हाँ, बाकी चॉइस आपकी होती है कि आपको लोकल कोई प्रोडक्ट रखना है तो एज पर योर चॉइस आप रख सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाता है 300 स्क्वायर फीट में अगर हम बात करें? 300 स्क्वायर फीट में कहीं 7.5 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहता है। 7.5 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट, उसमें साइज के हिसाब से उनके रहता है कि अगर ज्यादा बड़ा थोड़ा साइज है तो फिर रैक और वो प्राइसेस बढ़ जाते हैं उसमें। बाकी हमने 300 स्क्वायर फीट को कहीं 7.5 लाख में कवर्ड किया है, जिसके अंदर आपका 4 लाख के आसपास ऑन कॉस्ट जो DP रेट होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, उस पर हम प्रोडक्ट देते हैं, स्टॉक जाता है, करीबन 7.5-3 लाख के आसपास आपका टोटल सेटअप रहता है। अगर आपको लगता है कि आप सेटअप हमसे नहीं कराना चाहते तो एज पर योर चॉइस आप कहीं से भी करा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मात्र 7.5 लाख रुपए में एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पर कंपनी की तरफ से ग्राहक का सपोर्ट भी है, कंपनी की तरफ से आपको पूरा का पूरा स्टोर रेडी करके दिया जा रहा है, आपको कोई भी आगे रॉयल्टी या फ्रेंचाइजी फीस नहीं देनी। रॉयल्टी के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं आपसे कि रॉयल्टी आप किस तरीके से चार्ज करते हो? रॉयल्टी देखिए, अगर एफिलिएटेड जो यूजर हमारे होते हैं, जो प्रीमियम यूजर्स होते हैं, अगर आप उनको हमसे लेते हैं तो हम उनको जो एफिलिएटेड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बस वही फंड हम आपसे डिमांड करते हैं, अन्यथा और कोई भी अमाउंट डिमांड नहीं करते, कोई रिवॉर्ड नहीं। ठीक है, और फ्रेंचाइजी फीस इसमें कितनी रहती है? 0 फ्रेंचाइजी फीस, कोई फ्रेंचाइजी चार्ज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके लिए सोने पे सुहागा ऑफर है जो आपके लिए एक देश का नेशनल ब्रांड लेकर आया है एनवी सोपी। तो ये पहला मॉडल था 300 स्क्वायर फीट का, अगर कोई थोड़ा बड़ा ओपन करना चाहे? 900 स्क्वायर फीट का है जिसके अंदर आपको करीबन 17.5 लाख रुपए का टोटल आपका एक्सपेंसेस आता है, उसमें आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, उसमें इन्वेंट्रीज ज्यादा हो जाती है। उसके बाद हमारा 2500 स्क्वायर फीट का है जिसके अंदर आपका करीबन 35 लाख रुपए के आसपास का एक्सपेंसेस आता है, उसमें हम आपको मल्टी प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और एक है अपना जो करीबन 1.5 करोड़ रुपए का है जिसके अंदर हम आपको सब कुछ देते हैं, माने फुल एक मार्ट की तरह, जैसे आप जैसे आज हम बैठे हैं और जो हम देख रहे हैं जी, मल्टी कैटेगरीज प्रोडक्ट हैं, तो ये सब कुछ आपको उसके अंदर मिलेगा।
इसमें इनकम की क्या गुंजाइश रहती है, क्योंकि आप पिछले 3 सालों से कर रहे हो उसको और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हो, तो अगर कोई आपसे 300 स्क्वायर फीट का, 900 स्क्वायर फीट का या मॉल लेता है, तो इसमें उसकी इनकम का क्या रहता है, कितनी इनकम हो सकती है उसको? जी ये तो हमारे जो फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं वो लोग भी बता सकते हैं, ऑलरेडी जो हैप्पी यूजर्स हैं उनके रिव्यू भी आप देख सकते हैं। इसमें हमने सभी से कहा था कि ये बिज़नेस, पहली चीज़ समझ लीजिए कि खाने का काम नहीं है। जनरली लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेते हैं, बिल्कुल। कोई भी बिज़नेस जब हम करने जाते हैं तो पहला एक साल बिज़नेस आपसे अपने आप को स्टैंड करने के लिए मांगता है। माने आप कहीं भी एक स्टोर खोलेंगे तो कस्टमर वहाँ पे आएगा, वो एक बार आएगा, दो बार आएगा, तो उसे पता चलता है ये रेगुलर आपका स्टोर खुलता है, तो मैं कभी भी अगर उसका नीड पड़ी तो वो आ जाएगा बिंदास। तो ये आपको समय लगता है, कम से कम 6 महीने 8 महीने आपकी ऑन कॉस्ट एक तरीके से रहती है कि जो आपने लगाया वही रिटर्न आ रहा है। आफ्टर 1 ईयर आपके यहाँ से एक जैसे ROI बोला जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि मैंने एक अमाउंट लगा दिया अगेंस्ट मेरे को क्या रिटर्न आएगा। तो हमने इसमें एक एवरेज जो देखा था कि अगर 1000 कस्टमर हमारे यहाँ परचेस करते हैं 3000 के हिसाब से, जो कि कॉमन परचेसिंग है हर घर की, तो 30 लाख की करीबन सेल निकल के आती है। ये हम छोटे स्टोर की बात कर रहे हैं अपने 300 स्क्वायर फीट के, तो वहाँ पर अगर आपने डिस्काउंट भी दे दिया, आपने जो प्रीमियम यूजर्स थे उनको भी आपने मार्जिन दे दिया, वो देगा हटाने के बाद करीबन 5% का एक एवरेजन अगर मार्जिन हम देखें तो करीबन 1.5 लाख रुपये आपका बनता है 30 लाख की सेल पे। अब इसमें आप रेंट निकाल दीजिए अपनी शॉप का, हम 300 स्क्वायर फीट एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक के रेंट के लिए हम आपको एडवाइस करते हैं, बाकी चॉइस आपकी है, हम उससे ज़्यादा आपको एडवाइस नहीं करते, क्योंकि सिस्टम को समझिए, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कम होती है, तो जब कस्टमर को ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं दिखती तो उस तरीके का फुटफॉल भी नहीं दिखता है। अभी बिग बाज़ार अगर बोलते हैं या बड़े कोई ब्रांड की बात करते हैं तो वहाँ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको नंबर्स ऑफ कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आप भी अगर इस तरीके के खोलना चाहते हैं बड़ा स्टोर, तो ज़्यादा बड़ा कस्टमर ले सकते हैं, अन्यथा छोटे स्टोर से स्टार्ट कीजिए आप हमारे साथ। छोटे स्टोर से ये होता है कि आपका रिस्क कम होता है, क्योंकि बड़े स्टोर में रिस्क का भी चांसेस बड़ा होता है। छोटे से आप धीरे धीरे डेवलप होते हैं हमारे साथ में, जब धीरे धीरे डेवलप होते हैं तो आपको हम मल्टीपल खुद ही एडवाइस करते जाते हैं, अब आपको ये प्रोडक्ट कैटेगरी रख लीजिए, अब आप प्लास्टिक रख लीजिए, क्रॉकरीज रख लीजिए, जिससे कि आपके सेल में इंक्रीजिंग होना शुरू होती है और मार्जिन जाता है वहाँ। इसमें एनवीएसओपी कहता है कि आप बिजनेस से जुड़े, एनवीएसओपी के परिवार से जुड़े, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आप बोले कि नहीं मुझे 1 करोड़ लगाना है, 2 करोड़ लगाना है, 5 करोड़ लगाना है। आप आइए, बिजनेस को सीखिए, समझिए, और जैसे जैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी में आते जाते हैं वैसे वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए, ताकि आप भी संतुष्ट रहें और आपके ग्राहक भी संतुष्ट रहें। साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि एनवीएसओपी की तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलता है आपकी फ्रेंचाइजीज को? जी सबसे पहला सपोर्ट तो ये होता है कि हम मार्केटिंग सपोर्ट उनको देते हैं, फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से। जिस भी पिन कोड एरिया में खुलता है उस एरिया पिन कोड एरिया में वर्किंग होती है हमारी, और नेशनल लेवल पे हम उनको प्रमोट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। हम जूम मीटिंग के माध्यम से पूरे इंडिया के अंदर अपने जितने भी जो एफिलिएटेड यूजर्स होते हैं उनको हम प्रमोट करते हैं डेली, तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए रहता है। इसके अलावा हम लोग वहाँ पर कैंपेन प्लानिंग करते हैं कि वहाँ पर जो हमारे एफिलिएटेड जो लोग होते हैं वो कैंपेन वहाँ पर करते हैं डोर टू डोर जाकर, कि ये स्टोर ओपन हो चुका है, इस एरिया में आइए, आप इसमें खरीदारी कीजिए। अगर आप हमारे एफिलिएटेड प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनको अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपके दुकान में रात और रात ये समझिए 4 चांद लग सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि अधिकतर लोग जो आते हैं ना वो करंट प्रॉफिट के लिए देखते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप होलसेल के नज़रिए से आइए। एक बनिया जो एक लाला जो बैठता है मार्केट के अंदर, जो 2% 1% पर काम करता है, अगर ऐसी नज़र से आएंगे तो यहाँ पर आपका बिजनेस रात और रात बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि दो तरीके का बेनिफिट मिलता है। आपने अगर सस्ता दिया तो वो बंदा खुद मार्केटिंग करेगा जाकर कि इस स्टोर पे सस्ता मिल रहा है। आपका एक प्रोडक्ट तुरंत निकल जाता है जो आपको वेट करना पड़ता है सेल करने के लिए, तो यहाँ पर एक्सपायरी से बच जाते हैं आप, यहाँ एक रिस्क से बच जाते हैं आप। ऊपर से जब ज़्यादा लाएंगे, ज़्यादा देंगे तो आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी आप 12 पीस खरीद के पूरे महीने बेचते, अगर यहीं पर 100 पीस खरीद के पूरे महीने बेचते हैं तो यहाँ से ज़्यादा मार्जिन आपको मिल सकता है। जी तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ और सीखने को मिली, बिजनेस जो है पूरा टर्नओवर का गेम है। जितना ज़्यादा आप टर्नओवर रोटेट करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, जितने ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स आपकी दुकान पर होंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट आएगा, उतनी जल्दी आपकी ROI निकल कर आएगी। तो सर कोई आपसे जुड़ कैसे सकता है, क्या तरीका है एनवीएसओपी की फ्रेंचाइजी लेने का? जी इसमें हमने अपने वेबसाइट पर भी नंबर दिया हुआ है, बाकी आपके यूट्यूब चैनल पर दिख रहा होगा सभी को, जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारी फ्रेंचाइजी बताओ टीम से कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप हमें ऑफिशियल एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो आप इस टीम से कनेक्ट करके डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। अपना जो भी स्टोर जहां खोलना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया,
हम आपके लिए सेवा देने के लिए तत्पर रहे। तो दोस्तों आज हमने जाना एनवी सोपी फ्रेंचाइजी के बारे में, किस तरीके से कंपनी की शुरुआत हुई और आज देखिए किस तरीके से पूरी इंडिया में आगे बढ़ रही है। आपके पास एक मौका है ऐसे बिजनेस से जुड़ने का जहां पर नहीं आपको कोई फ्रेंचाइजी फीस देनी है और ना ही आपको डायरेक्ट सेल्स पर कोई रॉयल्टी देनी है। अगर आप इनसे प्रीमियम कस्टमर मांगते हैं तो प्रीमियम कस्टमर्स को जो अफिलिएट फीस जाती है केवल आपको उतना ही पे करना होता है और आपके जो डायरेक्ट कस्टमर्स आते हैं उन पर कोई भी रॉयल्टी नहीं जाती है। एक बहुत तेजी से उभरने वाला बिजनेस है। मैं यकीनन आपको कह सकता हूं कि अगर आप अपना भी स्टोर खोलेंगे तो इससे ज्यादा पैसा लग जाएगा। जितने कम पैसे में आपको एनवी सोपी स्टार्ट करवा के दे रहा है इतने कम में आप अपना भी शुरू नहीं कर पाओगे क्योंकि के पास एक्सपर्टाइज है, एक एक्सपीरियंस है। सारे जितने भी डीलर्स हैं सबके साथ मिलकर इन्होंने होलसेल का रेट लिया हुआ है। आप डायरेक्ट आ जाएंगे किसी कंपनी से तो वो आपको बहुत कम मार्जिन देगा और यहां से आपको मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। अगर आप अपना स्टोर सेटअप करेंगे जैसे कि सर ने बताया रेक में, आज इन्हें जितना पैसे में मिल रहा है इसे डबल पैसे में इन्होंने स्टार्टिंग में परचेज किया था, तो आप तो वन टाइम ही परचेज करेंगे तो आपको ये नहीं पता कि आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी स्टोर ओपन करना चाहते हैं एनवी सोपी से जुड़े, एनवी सोपी से जुड़कर मल्टीपल ब्रांड का स्टोर आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 7.5 लाख से शुरुआत है और जितनी कैटेगरीज आप चाहेंगे उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जरूर जाएगी लेकिन फायदा जरूर मिलना है। तो अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं आप फ्रेंचाइजी बताओ से बात करिए, हमारा नंबर आपको दिया गया है, हम डायरेक्टली इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने में आपकी हेल्प करेंगे और आपको इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत पूरी इंडिया में जहां भी करना चाहते हैं वहां करवा के देंगे। और आज सारी जानकारी हमें दी एनवी सोपी से एमआई अहमद जी ने, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से आपको बताया कि इनकी सफलता का राज क्या था, किस तरीके से आप भी इनसे जुड़कर सफल हो सकते हो और पूरा बिजनेस मॉडल भी इन्होंने आपको समझाया। तो अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो एक बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।